जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं हूं अजीत फौजी सुंगरपुरिया। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसम। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारा चैनल मोनिटाइज हो गया है। दोस्तों, आप लोगों की बदौलत तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने हमें प्यार और स्नेह दिया उसके लिए, और हम भी कोशिश करते हैं कि आपकी सभी इच्छाओं को हम पूर्ति करें। जो भी आप पूछते हैं हम तुरंत बताएं। आपको नंबर दे रखे हैं, आप व्हाट्सएप करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपकी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, मेरे दोस्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों जो लाइव भर्ती की, और ये भर्ती यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की भर्ती है। UHQ रैली है, और ये रैली जो है द कमाऊ रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत के द्वारा की जा रही है, जो 21 सितम्बर से 23 सितम्बर 2021 के बीच कंडक्ट की जा रही है। दोस्तों, आज है 21 सितंबर 2021, और ये भर्ती हो रही है सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर ट्रेडमैन और सोल्जर म्यूजिशियन के लिए। और ये भर्ती यहाँ पर कुमाऊनी, गढ़वाली, गोरखा, आल ट्रेडमैन में आल कास्ट हैं और म्यूजिशियन में भी आल कास्ट हैं। सभी की भर्ती एक साथ, अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ भर्ती का लाइव सेशन चल रहा है। दोस्तों, हमारे मित्र ने हमें ये वीडियो भेजा है जिसके द्वारा हम आपको पूरी पूरी जानकारी देंगे। तो आज दोस्तों अभी आप देखें, ये जो है हमारा कुमाऊ रेजिमेंट सेंटर का ग्राउंड है जहाँ पर बच्चों की भर्ती चल रही है। और ये देख लो आप, ग्राउंड देखो दोस्तों, बिल्कुल बढ़िया ग्राउंड है, बढ़िया अच्छा ट्रैक है। चारों तरफ से टेप लगाकर, फनल टेप वगैरह लगाकर कवर किया गया है ताकि कोई बच्चा बीच से ना आ जाए, और चारों तरफ से सुरक्षा के लिए फौजी भाई लगा रखे हैं। देखो, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये ऑडियंस भी, आप दर्शक भी देख सकते हैं, यहाँ पर भर्ती का लाइव सेशन देख रहे हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर कम से कम भी 70-80 बच्चों का बैच बना रहे हैं, और पूरा का पूरा टाइमिंग दे रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं। और ये वेटिंग एरिया में बैठा रखे हैं बच्चों को यहाँ पर, और ये भर्ती चल रही लाइव सेशन आप देख सकते हैं। जिन लड़कों ने प्रैक्टिस की हुई है यहाँ पर, वो तो अच्छा दौड़ रहे हैं, जो पहले कभी दौड़े नहीं उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है दोस्तों। तो जिस बच्चे ने प्रैक्टिस कर रखी हो, देखो आप अच्छे चल रहे हैं, गैप देकर चल रहे हैं, कम से कम 100-200 मीटर का गैप आगे वालों और पीछे वालों के बीच में। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये अलग अलग सभी के बैच बना रखे हैं, GD के, ट्रेडमैन के और म्यूजिशियन वगैरह के लिए, और बच्चों को 70-80 का बैच बना रहे हैं, पूरा पूरा टाइमिंग दे रहे हैं आपको, और चारों तरफ से सुरक्षा के लिए फौजी भाई लगा रखे हैं। और यहाँ पर लोग भर्ती का लाइव सेशन देख रहे हैं, कोई भी भाईबंदी नहीं हो रही यहाँ पर, बहुत अच्छी तरह से भर्ती को कंडक्ट किया जा रहा है। ज्यादा लड़के भी नहीं पहुंचे हुए यहाँ पर भर्ती में, क्योंकि ये सेंटर थोड़ा पहाड़ों में पड़ता है उत्तराखंड में, तो यहाँ पर बहुत कम लड़के पहुंचते हैं, और ये लिमिटेड कास्ट के लिए है। इस वजह से भी ये है कि ये यहाँ पर हर किसी के लिए नहीं है सेंटर, तो यहाँ पर इसलिए भर्ती कम से कम लड़के पहुंचे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। आप देखें कि पूरा का पूरा टाइमिंग दे रहे हैं यहाँ पर, और बच्चे चल रहे हैं। ये अभी दूसरा चक्कर हो चुका है दोस्तों, आपको बता दें। आप देखें यहाँ पर ये बच्चे आ रहे हैं, और भी भर्ती वाले जिनकी अगले दिन भर्ती है, बैग उठा के देखो सामने से जा रहे हैं, ये गुजर रहे हैं। ये बच्चे उत्तराखंड जिले हैं, उत्तराखंड के जो भी जिले हैं उनके लिए शेड्यूल आपको बता ही रखा है हमारे पहले वीडियो में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और चारों तरफ से फौजी भाई सुरक्षा कर रहे हैं सेंटर की, यहाँ पे कोई भी बच्चा बाहर से एंट्री नहीं कर सकता, प्रॉपर तरीके से अंदर जाएगा। और यहाँ पर देखो पूरा का पूरा सभी लोग देखते हुए जा रहे हैं, और बड़ा ही मनमोहक नजारा है दोस्तों। आप देखें यहाँ पर ग्राउंड, ये देखो पहाड़ों के बीच में ग्राउंड है, बिल्कुल समतल जगह पर ग्राउंड, बहुत बढ़िया ग्राउंड है भाई साहब। आप देखो, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देख करके कि भाई चारों तरफ से फौजियों की पोस्ट बनी हुई है, चार द्वारी बनी हुई है, चारों तरफ चार द्वारी के बाहर फौजी भाई घूम रहे हैं सुरक्षा के लिए। तो हाथ में देखो डंडा, मास्क, प्रॉपर वर्दी, भाई फौजियों का डिसिप्लिन तो मानने वाला होता, आपको सभी को पता ही है। आज फौजी हैं तो देश है, आप देख सकते हैं फौजी भाई।
और यहाँ पर देखो पूरा डिसिप्लिन के साथ ये भर्ती चल रही, तीसरा चक्कर शुरू हो चुका है, अब ये तीसरा चक्कर चल रहा है दोस्तों। और ये स्कूल की छुट्टी हो गई है, बच्चे यहाँ पर स्कूल वाले बच्चे भी देख रहे हैं, कल ये भी देश का भविष्य है, ये बच्चे भी भर्ती होंगे दोस्तों। ये देखो आप, ये जूम कर दिया गया आपको, ये देखो पहले और दूसरे बच्चे में बहुत टक्कर है, बिल्कुल दोनों के अंदर 5-7 मीटर का गैप है और दोनों के अंदर टक्कर बजी हुई है। और ये अब टाइम क्लोज होने वाला है दोस्तों, ये देखियो यहाँ पर पहला बच्चा टाइम क्लोज होने वाला है, अभी आपको बता देंगे कितने का बैच बना है, लगभग 70 से 80 बच्चों का बैच बनाया गया है यहाँ पर, और पूरे के पूरा टाइमिंग दिया जा रहा है आपको बता दें, ठीक है। हर बच्चा खींच के ले रहा है यहाँ पर भर्ती के लिए, क्यों चांस दोबारा नहीं मिलता दोस्तों, ठीक है। अभी लास्ट चक्कर है, ये 3 चक्कर पूरे हो चुके हैं और यह अंतिम चक्कर है, सभी ने अपनी स्पीड तेज कर दी भाई, आप देख सकते हैं फास्ट हो गए लड़के अभी, क्योंकि टाइम क्लोज होने वाला है। तो पहला बच्चा अभी बहुत फास्ट दौड़ रहा है, वो पीछे वालों के और पहले के बीच में बहुत गैप है दोस्तों, कम से कम 400 मीटर 500 मीटर का गैप हो चुका है, ठीक है, पहले और आखिरी बच्चे के बीच में। तो पहले वाले बच्चे ने अच्छी मेहनत की हुई है और यहाँ पर चारों तरफ से आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर डिसिप्लिन से फौजी भाई सुरक्षा कर रहे हैं इस ग्राउंड की। और यहाँ पर ये लाइव सेशन चल रहा है, रोडवेज की बसें चल रही हैं, लोग देख रहे हैं, कितना मनमोहक नजारा है भाइयों, आप देख सकते हैं रानीखेत सेंटर का, ये कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत है जो उत्तराखंड में है पहाड़ों में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये ग्राउंड कितना प्यारा ग्राउंड है, बिल्कुल बीच के अंदर घास लगी, ट्रैक बना हुआ है और ये अब लास्ट चक्कर है। और ये लड़का घुस गया भाई 5:11, पहला बच्चा 5:11 में घुसा दोस्तों, आपको बता दें। और ये अगला लड़का आने वाला, अभी पहुंचने वाला है दोस्तों, आप देख सकते हैं जूम कर रखा है हमने वीडियो, पहला लड़का 5:11 में पहुंचा है, ये 5:27 के लगभग टाइम है दोस्तों, आपको बता दें 5:27 में दूसरा बच्चा आया है और ये एक्सीलेंट चल रहा है दोस्तों। अभी भर्ती के लिए पूरा का पूरा अभी सिस्टम चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे भाई ये घुस गए हैं भाई, एक्सीलेंट चल रहा है अभी तक भी, एक्सीलेंट में भी पूरा टाइमिंग दे रहे हैं दोस्तों, एक्सीलेंट। अब यहाँ पे ये क्लोज किया जाएगा, अभी एक्सीलेंट को ये रोक दिया गया, अभी अभी जो बच्चे आ रहे हैं वो गुड में, यानी दो ग्रुप आपको पता है ये रोक दिया गया है और ये बच्चे गए गुड में, ये गुड में गए हैं दोस्तों, ये दूसरे लड़के जो लगभग एक्सीलेंट में दोस्तों कम से कम भी 15 से 20 बच्चे पहुंचे हैं एक्सीलेंट में, और लगभग दोस्तों ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दूसरे इसमें बच्चे पहुंच चुके हैं, ये लगभग 15 से 10 बच्चे इसमें चले गए हैं यहाँ पर, ये भर्ती आप देख सकते हैं, लाइव सेशन चले आपको बताया हमने, ठीक है दोस्तों। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हम आपको ऐसे प्रकार की भर्तियों से अवगत कराते रहेंगे, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।